व्लॉग होने वाला है पूरा नॉन वेज मटन। ये मटन बन रहा है, यहाँ पे मटन का कुछ पार्ट जो है वो बॉयल हो रहा है बॉयल हो रहा है, और ये मटन मैं खाती नहीं हूँ जनाब जी, बना रहे हैं अपने। ये है चर्बी विद चुस्ता। हो गया, ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरी नहीं है। ये कुकर है यहाँ पे चढ़ा हुआ, इसमें गरम गरम भाप है वो उड़ रहा है, और ये मटन जो है वो जनाब जी बनाए हैं, क्योंकि मैं जो चीज़ नहीं खाती हूँ वो मैं बनाती नहीं हूँ। जनाब जी इसको क्या करना है, मैरिनेट? आज मटन रेसिपी जाएगा सभी को। इसको मैरिनेट भी करना है क्या? नो मैरिनेट। मैरिनेट नहीं करोगे? No. क्यों? डायरेक्ट आज बनेगा, डायरेक्ट। डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब कच्चा खा जाओगे? Yes, तुम भरोसा नहीं, तुम कच्चा भी खा सकते हो। दिखाना ना यहाँ पे, आज सीख लेना मटन कैसे बनता है। हम जो चीज नहीं खाते हैं वो चीज हम बनाते ही नहीं है। नहीं, बनाना पड़ेगा ना भाई। क्यों बनाना पड़ेगा? मेरे लिए हम खाते हैं। पनीर बनाएंगे पनीर खाओ, चलो दूध 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 खाओ, दही खाओ, पनीर खाओ। 25 रुपया पीस दिया है चुस्ता, उससे क्या मतलब? पनीर खाओ, 25,000 में दे, 25 रुपया पैसा में दे। 25 रुपया में कितना पनीर मिल जाएगा? पनीर का जो मजा है कहाँ है मटन में। यहाँ पे मटन का तैयारी हो रहा है, प्याज जो है वो फ्राई हो चुकी है, अब इसमें जनाब जी ने टमाटर डाला है, ओनली 1 टोमेटो, और यहाँ पे चावल जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद किए देती हूँ, और ये मसाला है। मसाले में क्या है, लहसुन है, जीरा है, गोल मरीच है, दालचीनी भी है क्या? दालचीनी भी डाले हैं जनाब जी। इसमें गया हल्दी और नमक। नॉर्मल मटन बॉईल हुआ है हल्दी नमक लहसुन से। 95% मसाला कुक हो जाने के बाद हम लोग बॉईल चिकन तब इसमें डालेंगे। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो मटन खाती नहीं हूँ भाई, तुम खाते हो तुम जानो। ये जो चीज़ है ना, ये किसी भी चीज़ में जाने के बाद उसका जो टेस्ट होता है ना उसे इनहेंस कर देती है। वो सब बोलने से पहले उसको बारीक कटा हुआ काट दें। तो ऐसे डालने से नहीं होगा क्या? बारीक कटना जरूरी है। ये कप में क्यों डाल रहे हो भाई, पियोगे उसको? हाँ, 70-75% मसाला फ्राई होने के बाद बॉइल्ड मटन हम लोग डालेंगे जो कुकर में हमने बॉईल किया था। मुझे कोई मतलब नहीं है इससे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। दिन में तो आप लोगों ने देखा कि मेरे यहाँ जो है वो मटन बना था, तो दिन में सभी कोई ने मटन खाया। उसके बाद सारे के सारे मटन जो ख़त्म नहीं हुए, तो जो बच गए उसे हम लोगों ने फ्रीज में रख दिया, और यहाँ पे मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ प्लेट में जो आप लोगों को दिख रहा है वो मैंने गोभी को जो है वो कद्दूकस किया हुआ है, क्योंकि मैं जो हूँ आज मतलब डिनर में मैंने गोभी का पराठा बनाया था। तो इसको पहले गोभी को धो देना है, फिर उसको कद्दूकस कर देना है, और यहाँ कढ़ाई में अब उसे हल्का सा फ्राई करूँगी। तो मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में हल्का सा ट्रांसफ़र कर दी। अब क्या करना है, इसको छौंका लगाना, जैसे कि हम लोग सब्जी में छौंका लगाते हैं जीरा दे करके। तो यहाँ पे मैं भूल गई थी कि छौंका लगाना है, फिर मैंने मम्मी से पूछा कि इसमें जीरा भी डालना है क्या, तो फिर मम्मी ने बोला हाँ जीरा भी डालना है, इसलिए मैंने हाथ यहाँ पीछे कर लिया, क्योंकि मैं अगर ये डाल देती उसमें तो फिर वो बेकार हो जाता। तो यहाँ पे छौंका लगाना था, छौंका में वही जो आप सब्जी में जो देते हैं जीरा देते हैं और सरसों देते हैं वही सब। यहाँ पे मैंने छौंका लगाया है जीरा से और मंगरेला से। तो वो जब चटकने लगा तो यहाँ पे मैंने जो गोभी मैंने कद्दूकस करके रखा था उसके पूरा पानी निचोड़ देना है, निचोड़ करके उसे कढ़ाई में डाल देना है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, पानी जो है वो थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए, उसको मुट्ठी में भर के पूरा अच्छे से निचोड़ लीजिए, उसके बाद उसे कढ़ाई में जो है फिर वो ट्रांसफ़र कीजिए।
अब सारा गोभी जो मैंने कद्दूकस किया था उसका पानी निचोड़ करके मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसमें जो है वो हल्का सा ही उसमें हमें टर्मरिक देना है, हल्दी देना है और सॉल्ट जो है वो एज़ पर योर टेस्ट देना है, स्वाद अनुसार देना है सॉल्ट नमक। और इसे हाफ़ कुक करना है, पूरा कुक नहीं करना है, इसे हाफ़ कुक करना है क्योंकि हमें इसमें रोटी में भरना था। यहाँ पे मैं हल्दी दे रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग देना है जो हल्का सा पीलापन आ जाए उसमें, ज़्यादा नहीं देना है। और यहाँ पर जो है मैं नमक दे रही हूँ एज़ पर माय टेस्ट, मैं अपने स्वाद अनुसार नमक दे रही हूँ। आप लोग को अगर ज़्यादा नमक पसंद है तो ज़्यादा नमक दीजिए, कम पसंद है तो कम दीजिए। अब इसे मिक्स कर देना है और 2 to 3 मिनट्स लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है। ओनली 50% इसे कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। यहाँ पर जो आप मेरे ऊपर जो ये टॉप देख रहे हैं ये मेरा नहीं है, ये मेरे भाई का टी शर्ट है जिसको मैं टॉप बना करके जो मैं पहन रही हूँ। और ठंड में मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरे भाई का ये स्वेटर जैकेट जो होता है वो मैं पहनती हूँ क्योंकि उसका वाला जो है वो मुझे मतलब थोड़ा लूज़ होता है, थोड़ा अच्छा होता है तो मैं पहन लेती हूँ। वैसे भी कौन दिखता है लड़का का, तो सब पहन ही लेता है, भले लड़की का लड़का नहीं पहनता लेकिन लड़का का तो लड़की पहन ही सकती है भाई। मम्मी इसको काट दे। मेरे यहाँ जनरली कोई भरा हुआ पराठा बनता है तो उसके साथ कुछ भी सब्जी वब्जी नहीं बनती है, हम लोग सॉस या खीर सेवई के साथ खाते हैं। लेकिन कल क्या हुआ, मुझे कद्दू बहुत पसंद है, कद्दू जो वो फ्रेश ही अच्छा लगता है बनने के बाद, तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना मैं कद्दू भी बना दूँ। तो मैं वही छील रही हूँ और मुझे कद्दू काटने में और छीलने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि ये बहुत ही ईजिली कट जाता है, क्योंकि मतलब ताकत नहीं लगाना पड़ता है। और ये वाला जो कद्दू होता है इसका टेस्ट गजब आता है, वो लंबा वाला जो कद्दू होता है वो मुझे पसंद नहीं है, ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं वही कद्दू काट रही हूँ और इसके बाद में जो है वो कद्दू की सब्जी बनाऊंगी। नहीं बन पाएगा हमसे, पहले ब्राइटनेस बढ़ा। हमारा जो डिनर है वो रेडी हो गया है, पनीर का पराठा एंड खाटू के सब्जी। पनीर का पराठा नहीं, सॉरी गोभी का पराठा यार। सॉरी गोभी का पराठा मैंने आप लोग को दिखाया पर मुझे याद नहीं था। नमक से लेके हल्दी से लेके एवरीथिंग जो है वो मैंने डाला है इसमें बाकी में। टेस्टी गोभी का पराठा बनाती है, लो मेरे हाथ से खाओ, लजीज है लजीज, इसके जैसा है लजीज। आजकल मुझे अपने हाथ का भी खाना अच्छा लगने लगा है भाई। मतलब और पराया के हाथ का अच्छा लगता था क्या? और पेट पूजा कर लो, आपसे मिलते बाद में। मेरे हाथ से खाती है, तुम्हारे हाथ से खाऊं? बाप दुलारे दूर। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।